कैसे बनाते हैं घर पे मटकल कुकी, ये रेसिपी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। पूरे वीडियो को देखते रहिएगा कैसे हम बनाते हैं। पहले दूध को गर्म करेंगे। दूध जब गर्म हो जाएगा तो उसमें से हम 2 कलछुल दूध निकाल लेंगे। हम पहले निकाल लेते हैं 1 कलछुल दूध निकाल लेंगे हमें 2 कलछुल छोटे कलछुल से। दूध को गाढ़ा करेंगे हम चला के, इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है अभी, और इसको गाढ़ा करेंगे हम चला के गैस कम करके। दूध को थोड़ा और गाढ़ा करेंगे इसको चला के हम। ये जो हम कटोरी में दूध निकाले थे कलछुल कलछुल, जो हम दूध निकाले थे कटोरी में, उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लेक्स आटा, 1 चम्मच, ये 2 चम्मच डालना है इसमें, और 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम। दूध हल्का गाढ़ा हो गया है, अब इसमें डाल देंगे जो बैटर हमने बना के रखा है मिल्क पाउडर का, कॉर्नफ्लेक्स का दूध में जो घोल, मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लेक्स का घोल दूध में जो तैयार करके रखा था वो इसमें हम डाल देंगे सबको। अब इसको हम चला के गाढ़ा और करेंगे, पकाएंगे इसको कॉर्नफ्लेक्स तो, और इसको और गाढ़ा करेंगे हम, हमेशा चलाते रहेंगे इसको। ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना मत भूलिएगा। तो कैसा बना था मेरा मटका कुल्फी कैसा बना था, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मत भूलिएगा। और नो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा कि कोई भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। देखिए हल्का गाढ़ा होता जा रहा है। 1 कटोरी छोटे कटोरी से 25 ग्राम के आसपास चीनी है, 8-9 काजू के दाने, 8-9 बादाम के दाने, 1 इलायची, सबका हम पाउडर बना लेंगे। अब इसमें डाल देंगे चीनी काजू और बादाम का जो हमने बुरादा तैयार करके रखा था, अब इसमें डाल देंगे। मीठा आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा चीनी का। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको कहीं भी गांठ ना पड़े, इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे हम। इसको हम गाढ़ा कर लेंगे चला के और चलाते रहेंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी और यम्मी लगता है, एक बार बना के आपको जरूर ट्राई कीजिएगा, और लिख के बताना मत भूलिएगा कैसे बना था मटका कुल्फी आप लोग का। तो आसान और सिंपल तरीका है बनाने का मटका कुल्फी का। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है, पूरा गाढ़ा हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गाढ़ा हो गया है पूरा। अब गैस बंद कर देते हैं हम पतला सा। मिक्सी में डाल के जब ठंडा हो गया था, मिक्सी में डाल के मैंने इसका घोल बना लिया है, न पतला न गाढ़ा है घोल ही। देखिए हम लेंगे मटका, छोटा साइज का है मटका दोनों के, हम इस बैटर को डाल देंगे, दोनों में डालेंगे। ऊपर हम बादाम कट करके डाल देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अल्मीनियम फाइल से जो खाने वाला पैक करने वाला आता है उससे, सबको हम फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए। रात भर छोड़ देंगे हम, कम से कम 8-9 घंटा तक इसको छोड़ देंगे फ्रिज में, अच्छी तरह से जम जाता है। अब मैंने इसको फ्रिज से निकाल दिया है साथ से, इसका भी हटा के देखते हैं, दोनों को हटा के देख लें। देखिए लग रहा है कितना अच्छा जमा है, परफेक्ट मटका कुल्फी एकदम बाजार जैसा सेम घर पे बना है, आसान तरीके से बन जाता है। सेम बाजार जैसा मटका कुल्फी घर पे बना है, खाने में बहुत यम्मी और टेस्टी लगता है, एक बार आप जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, फिर मिलेंगे नए वीडियो नए रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।